morning, good afternoon, good evening. तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे. मैं एक ही टाइम में बोल दिया सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोल गया, लेकिन अभी टाइम फिलहाल हो रहा है 12:34. सो अभी तो गुड आफ्टरनून ही होगा. वैसे बहुत दिन यूट्यूब में भी वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने सोच लिया एक वीडियो एक कॉन्टेंट बना लेता हूँ. चलता हूँ रंगापदा की तरफ, आप सभी को भी दिखाता हूँ. क्या था स्पीड ब्रेकर में हम लोग का स्टार्ट ऑफ. कोई बात नहीं. एंड आप लोग मुझे खराब मत पे है, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल पा रहा था. एंड मुझे हिंदी भी अच्छे से आता नहीं है, लेकिन जो सकता हूँ बोलता हूँ. मतलब टूटा फूटा हिंदी है ना आप लोग का. और ये हम लोग पहुँच गया फुलगुड़ी सेंटर के वहाँ पे. ये हम लोग फुलगुड़ी सेंटर मतलब रोड्स बना रहे. मैंने सुना है ये भी टू वे या फोर वे तो नहीं होगा, टू वे बनाएगा, मतलब हाईवे हो जाएगा हम लोग का ये वाला रोड भी. एंड गाइस हमको आप सभी का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि नया नया हूँ यूट्यूब में. आप सभी को तो पता ही है मैं यूट्यूब में बिल्कुल नया हूँ. तो चलिए देखते रहिए, थोड़े देर बाद पूरा हरा भरा ग्रीनरी वहाँ पे मिलते. चारों तरफ हरा भरा हरियाली हरियाली, चाय की बगान. मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग सेटअप भी ऑर्डर कर लूँगी, तब आप सभी को अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग मिलेगा, अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा, अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा. सो फिलहाल अभी इससे काम चला लीजिए आप लोग. तो ये वाला प्लेस का नाम बोरजुली सॉरी गोराली है. हम लोग अभी गोराली में है, गोराली टी स्टेट. सो यहाँ पे भी हम लोग का बहुत सारा दोस्त है. तो आप सभी को फैक्ट्री दिखाता हूँ, गोराली फैक्ट्री. हम लोग का गोराली फैक्ट्री हो, आगे से पुलिस आ रहे. फैक्ट्री पार कर लिया, उसके बाद यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हैं सारों तरफ हरा भरा हरियाली हरियाली, ग्रीनरी का मजा ही कुछ और है. तो रोड्स पूरा बंद रहे, तो वही क्या बोलो. ऐसे भी आप लोग माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में फिर नया हूँ, इसलिए कुछ आता नहीं है टॉपिक, क्या टॉपिक लेके वीडियो बनाओ, क्या कंटेंट बनाओ. तो वही हाँ, अगर आप सभी को आप लोग बोलिए मुझे कमेंट करके क्या टॉपिक लेके वीडियो बनाओ, तो तब मैं अच्छा अच्छा वीडियो डाल सकता हूँ आप सभी के लिए भी. आगे वाला व्यू देखिए, वाओ इट्स प्रीटी कूल. मुझे पर्सनली मतलब हम लोग का जो नेचर है मुझे बहुत पसंद है. एंड पहुंच गया और एक फैक्ट्री है, बोरजुली फैक्ट्री. उसको आने का टाइम में दिखाऊंगा शायद, नहीं अभी दिखा सकता हूँ, हाफ दिखा सकता हूँ. मतलब हम लोग दूसरा वाला रास्ता से चले जाएंगे ऑफ रोडिंग. ये हम लोग घुस गया ऑफ रोडिंग वाला रोड पे. अभी ऑफ रोडिंग का मज़ा लीजिए आप लोग. वो वाला रास्ता भी जा सकता था, लेकिन हम लोग वो वाला रास्ता में नहीं गया ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए. उस तरफ तो पूरा सही है रास्ता जो, लेकिन हम लोग को ऑफ रोडिंग चाहिए था, इसलिए ये वाला रोड पे आ गया हम लोग. ये वाला रेल गेट, पहला रेल गेट.
ऑफ रोडिंग पर फिर भी सही ऑफ रोडिंग है, इतना भी ख़राब नहीं है, क्योंकि ये वाला रोड भी बनाने वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत अभी ऑफ रोडिंग हो रहा है, बट मैं सब कुछ सही हो जाएगा। ये वाला रोड भी ये वाला रोड पे गाड़ी चला के मज़ा आएगा तब। तो लीजिए ऑफ रोडिंग का मज़ा। मैं आप सभी को बोला था बोरजुली फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, बट थोड़ा दोस्तों को मिल गया था इसलिए दिखा नहीं पाया। तो आने का टाइम में मैं आप सभी को बोरजुली फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, माइंड मत कीजिए। ये वो ऐसे मत सोचे कि वो बंदा ऐसे बोला फैक्ट्री दिखाऊंगा बट मैंने दिखाया, मतलब विषय। आई थिंक आज के ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि 18 मिनट टू 20 मिनट के आसपास। तो देखते रहिए आप सभी, हम भी दिखाते रहेंगे, आप सब देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। पूरा रामापुरा का एक चक्कर लगा के आएंगे, मतलब आज ऐसे घर में बोरिंग बैठे बैठे क्या करें क्या नहीं सोचा। उसके बाद दोस्त को बुलाया, तन्मय को बोला चलो भाई घूमने चलते, तो उसका साथ ही आ गया एंड मेरा वीडियो भी हो गया। एंड गाइस प्लीज़ अगर आप सभी को अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अगर अच्छा नहीं लगा देन इट्स योर चॉइस व्हाट टू डू, मैं किसी को फोर्स नहीं करती ऐसे भी, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है, किसी को भी फोर्स करके क्या मिलेगा। सो देखते रहिए। इस तरफ दो रास्ता है, एक इस तरफ वाला रास्ता भी जा सकता है एंड हम लोग तो ये वाला रास्ता भी जा रहे हैं। ये वाला रास्ता का वहाँ पे मतलब ब्रिज बनाया था, ब्रिज जो अभी ख़राब हो गया, इसलिए वो वाला रास्ता पे नहीं जाएंगे हम लोग, इतना रिक्स नहीं लेंगे। सो हम लोग ये वाला रास्ता से जा रहे एंड आई थिंक कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा होगा, मतलब एक साउंड आ रहा होगा नॉइस, फोन का माइक से बात कर रहा हूँ तो कुछ बेर करके एक साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिए। ये वाला प्लेस मुझे बहुत सही लगता है, बहुत सही लगता है मुझे ये वाला प्लेस। एक 360 वॉक अराउंड दे दो, चलो दे देता हूँ। 2 3 गो। तो गाइस हम लोग रामपुरा पहुंचने वाले हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड का घर भी रामपुरा में है, छोटा सा एक ही साथ पड़ा हो एक ही साथ, लेकिन बाद में वो भी अलग हो गया, मैं भी अलग हो गया। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली आसाम में हम लोग का टी स्टेट बोर्ड है, मतलब टी गार्डन बोर्ड सारा है। एंड मुझे ये प्लेस बहुत सही लगता है, बहुत सही। ऐसे लगता है कि कहीं कौन से पहाड़ में जा रहा हो। पहुंच
पहुंच गया मेरे स्कूल के लोकेशन पे। तो अभी मौसम भी कैसे इतना अचानक से जल्दी से ख़राब हो गया, बारिश भी देना शुरू हो गया। धीरे धीरे से मेरा गाल पे गिरा है एक दो टोपल। ये रहा हम लोग का स्कूल, एस टी पॉल्स इंग्लिश स्कूल। वो रहा हम लोग का स्कूल जो, एंड ये वाला था हम लोग का हॉस्टल। ये वाला अभी पूरा घास फूस भरती हो गया। कुछ दिन बाद पूरा टाउन मतलब बड़ा सिटी जैसे बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी सिटी है लेकिन तब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दुकान वगैरह भी बन चुका है अभी बहुत जल्दी। एंड क्या बोलते हैं वो फ्लाईओवर भी बन रहे रामपुरा में, ये वाला रेलवे हॉस्पिटल ये वाला। एंड मेरा राइट साइड में आप सब देख सकते हो रेलवे फील्ड ये। तो पहले जब मैं रामपुरा में था ये वाला प्लेस में बहुत आधा मरता था मतलब ये रामपुरा में जब था तब तो बहुत फालतू था, अभी बहुत सारा बहुत सही सुधर गया। जो होते है अच्छे के लिए होते है। तो यहाँ से अगर सीधा जाएगा तो ये वाला रोड पे अगर सीधा जाएगा तो हम लोग पहुँचेंगे बालीपाड़ा। बालीपाड़ा से उसके बाद वहाँ पे आगे चार द्वार से भालपोंग एंड उस तरफ सीधा लखीमपुर, उसका राइट तरफ से तेजपुर जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग को घर जाना है, बारिश भी आ गया है थोड़ा। तो देखते रहे आगे, आप सब देख सकते हैं फ्लाईओवर बन रहे हैं हम लोग का रामपुरा में भी। फ्लाईओवर बनने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होगा, नहीं तो पहले तो बहुत ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे रामपुरा में। क्योंकि स्कूल जाने का मतलब हम लोग का स्कूल जो राम सिंपल इंग्लिश स्कूल उसका स्टूडेंट सब के लिए बहुत तकलीफ होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था सुबह को, क्योंकि सुबह 8 बजे गेट बंद हो जाता है। एंड हम लोग का असेंबली टाइम रहता है 8 to 8:45 असेंबली टाइम रहता है हम लोग का। तो तकलीफ़ होता था, अभी फ्लाईओवर बनने के बाद इतना तकलीफ़ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जब फ्लाईओवर ये जल्दी बन के ख़त्म होने वाला है, हम लोग सोचा था मतलब उस तरफ से घूम के चले जाएंगे, बट उस तरफ जाने का टाइम नहीं है, बारिश आ गया। आप सभी देख सकते हो बारिश आ गया, अभी ख़राब से बारिश दे रहा है। उम्मीद करो बारिश जल्दी से रुक जाए वही अच्छा होगा, अगर बारिश नहीं रुका तो क्या करो, पूरा भीग के जाना पड़ेगा। है ना, हमको भीगने का मन नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा बुखार हुआ था, बुखार होके अच्छा हुआ ही था एंड फिर पसंद नहीं है मुझे बारिश में भीगने के लिए। तो देखिए ये रामपुरा टाउन। आ गया रामपुरा से निकल के, अभी जा रहे घर में। घर पहुंच के ब्लॉग एडिट करके अगर सकूंगा तो आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो क्या कर सकते कल सुबह को। बट ये श्योर है आप लोग को ब्लॉग मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल, इसके लिए मुझे घर जाके एडिट करना होगा। एंड अभी मैं आप सभी को वो बोरजली फैक्ट्री दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी गाइस मैं अभी दिखाने वाला हूँ आप सभी को बोरजली फैक्ट्री। हियर इज द फैक्ट्री, हो रहा ये फैक्ट्री। एंड तभी मैंने तो वहाँ पे मेरा दोस्त लोग रुका हुआ है, मतलब वो लोग कुछ चांदा वांदा ले रहे हैं शायद कुछ है ना। तो थैंक यू एंड नहीं किया था तो अभी मैं मेरा ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा एंड सपोर्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि नया हूँ मैं यूट्यूब में।
तो आप सभी का ही सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी को। टिल देन बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ। लॉकडाउन में सबको घर में अच्छे से रहिए एंड जहाँ भी जाइए मास्क लगा के जाइए। बाय बाय।